आज का वीडियो ऐसे लोग के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो भी लोग 2024 में बिहार पैरामेडिकल का प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं। तो आप लोग के द्वारा बहुत दिनों से कमेंट किया जा रहा था कि सर हम लोग का जो फॉर्म है यानी बिहार पैरामेडिकल 2024 का जो फॉर्म है वो फाइनली फिलअप हो गया है। अब हम लोग का यानी बिहार पैरामेडिकल 2024 इंट्रेंस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आखिर कब तक आ जाएगा? सर हम लोग का जो परीक्षा है अब की ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा और आखिर कितने नंबर लाने पर सर सरकारी पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा? तो अगर आप लोग भी बिहार पैरामेडिकल 2024 के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपका जो भी डाउट हो, आपका जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी क्वेरी हो, वो सभी के सभी दूर हो। आप लोग अपने मोबाइल या लैपटॉप के स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा गया है आवश्यक सूचना यानी इम्पोर्टेंट नोटिस। तो इसी नोटिस के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं कि बिहार पैरामेडिकल 2024 का एडमिट कार्ड कब आएगा, बिहार पैरामेडिकल 2024 प्रवेश परीक्षा का परीक्षा कब होगा, परीक्षा ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा और आखिर कितने नंबर लाने होंगे आपको सरकारी पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पैरामेडिकल 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, क्योंकि आप लोग हमसे डेली कमेंट करके पूछते थे कि सर पैरामेडिकल का तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक कौन सा है। तो आप सभी को बता दे बिहार पैरामेडिकल 2024 इंट्रेंस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक चक्षु पब्लिकेशन की है। आप लोग हमसे पूछना चाहेंगे कि सर आखिर इस बुक का खास बात क्या है, तो आपको हम बताना चाहेंगे इस बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे जिसके माध्यम से आप लोग जान पाएंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक और बात, कौन से चैप्टर से सबसे अधिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जिस चैप्टर से अधिक क्वेश्चंस पूछे गए होंगे आप लोग उस चैप्टर को बहुत अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिएगा। एक और आप सभी को बात बोलेंगे, हर एक चैप्टर के एंड में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे और एक और इसका खास बात है कि पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो अगर आप लोग अच्छा रैंक लाना चाहते हैं और टॉप पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग चक्षु पब्लिकेशन का जो बुक है आप लोग इसको बिल्कुल फॉलो। सबसे पहले आप सभी को एक बात बता दे, जो भी स्टूडेंट अभी तक अपना फॉर्म को फिलअप नहीं किए हैं तो आप सभी को बता दे 21 मई तक अभी आप लोग के पास मौका है अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वहीं पेमेंट करने की जो बात है 22 मई तक होगा। अगर फॉर्म में कुछ गलती हो गया है या हो जाएगा फॉर्म फिलअप करते टाइम तो आप सभी को बता दें 24, 25, 26 तीन दिनों तक जो आप लोग का फॉर्म है उसको आप लोग एडिट कर सकते हैं। वहीं जो आप लोग का एडमिट कार्ड है यानी बिहार पैरामेडिकल 2024 का एडमिट कार्ड 13 जून 2024 को आ जाएगा, जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। अब रहा बात कि आप लोग का परीक्षा होगा कब, यहां पर लिखा गया है डेट ऑफ एग्जामिनेशन PM, PM का मतलब होता है पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय, ठीक है, और PMM का मतलब होता है पैरामेडिकल माध्यमिक स्तरीय, यानी जो भी लोग 10th लेवल के स्टूडेंट हैं वो लोग PMM का फॉर्म को फिलअप करते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमेशा यही होता है, दोनों का एग्ज़ाम एक ही साथ पड़ जाता है। तो देखिए PM का जो एग्ज़ाम होगा आपका मॉर्निंग में होगा और PMM का जो एग्ज़ाम होगा वो दोपहर में होगा। आखिर एग्ज़ाम होगा कब तो आप सभी को बता दें 23/6/2024 यानी 23 जून को जो आप लोग का एग्ज़ाम है वो होगा। रहा बात कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होगा या ऑफलाइन मोड में होगा, आप सभी को बात बता दें जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में होगा, यानी आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर जाना होगा और आपको OMR शीट पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उस पर गोला लगाना होगा। एक और बात रहा कि आखिर कितने नंबर लाने होंगे, आप सभी को बता दें टोटली 450 में से आप सभी को 200 प्लस नंबर लाने होंगे अगर आप सभी लोग बिहार के सरकारी पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अगर आप सभी को क्वेश्चन चाहिए हुआ तो आप सभी लोग
टेलीग्राम को ज्वाइन कर दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे दिया गया है। वैसे आप लोग सीधे टेलीग्राम पर जा करके डिप्लोमा क्लासेस सर्च कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।